हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई होप सो आप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं फिर से आ गई एक नई रेसिपी लेके। आज मैंने बनाया है बाजरी नो रोटलो। गुजरातियों की फेवरेट डिश होती है बाजरी नो रोटलो। ये बाजरी का रोटला किसी भी सब्जी के साथ आप खा सकते हैं आराम से। मैंने इसमें आज लिया है बाजरी का आटा, पानी डाला है और नमक डाला है, और इसको अच्छे से गूंदना है, हल्के हाथों से गूंदना है। के हाथों से गूंदना और पानी ऐड करते जाना है, धीरे धीरे पानी ऐड करते जाना है। देखना है कि इसके अंदर लम्स ना रहे और आसानी से आटा गूंद जाए, इस हिसाब से पानी डालना है। मैंने चार या पांच बाजरी की रोटी बनाने का मैंने डो आटा लिया है और इसका डो मैंने बनाया, और इसको अच्छे से मसलना है जिस तरह से मैंने वीडियो में अपनी हथेली यानी पाम से मसला है, उस हिसाब से आपको मसलना है। आप इसको मसले 5 से 10 मिनट तक, अच्छे से वो आटा चिकना हो जाएगा। चिकना होने के बाद इसको आराम से तुरंत ही उसकी रोटी आप बना सकते। अगर किसी को रोटी हाथ से बनाना नहीं आता तो वो चकले और बेलन से बेल के बना सकते हैं, बट मैंने इसको हाथ से बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं वीडियो में अच्छे से टैप कर करके दोनों हाथों की हथेली और उंगलियों का इस्तेमाल करके मैंने बाजरे के आटे की रोटी बनाई है। आप इसको चकले और बेलन से भी बना सकते हैं। आपको तवा पहले से ही प्री हीट करके रखना है, फिर इस तरह से मैंने छोटे बनाए, आप अपने हिसाब से बड़े या छोटे बना सकते हैं। मैंने तवे पर डाला और ऊपर की साइड पर थोड़ा पानी लगाया है और आज स्लो फ्लेम पे अच्छे से मैंने इसको सेका है। चिमटे की मदद से आप सेक सकते हैं। अगर आप चूल्हे पे इसको बनाते हो तो इसका टेस्ट अलग ही आता है और गजब का टेस्ट आता है। इसको अच्छे से सेकना है, इस तरह से दबा के। आप इस तरह से दबा के सेकोगे तो फूलेगा, देखो फूल रहा है, वीडियो में आपको दिख रहा है। और ये हो गया आपका बाजरी का रोटला तैयार। इसी तरह से आप छोटे छोटे 3-4 बना सकते हैं, पर पर्सन आराम से 2-3 खा सकते हैं। और गरम गरम आप बाजरे के रोटी पे आप घी लगा दीजिए और सर्व कीजिए किसी भी सब्जी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई होप सो आप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं फिर से आ गई एक नई रेसिपी लेके। आप इसको लंच और डिनर दोनों में बना सकते हैं। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो बैंगन आप 2-3 अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैंने आज बनाया है बैंगन का भरता। आपको बैंगन को अच्छे से कट लगाना है। कट लगाने के बाद वो हर एक कट में लहसुन की कलियाँ ऐड कर दीजिए, फिर उसको स्लो फ्लेम पर कुक करना है जो आपको वीडियो में दिखेगा। उसके बाद उसकी स्किन इस तरह से आप रिमूव करोगे तो आसानी से रिमूव हो जाएगी। ये जली हुई स्किन है बट इसका जो स्मोकी फ्लेवर है सब्जी में आता है वो बहुत ही अच्छा और टेम्पटिंग होता है। अगर आप इसको चूल्हे पे सेकते हो तो इसका टेस्ट नेक्स्ट लेवल हो जाता है। इस तरह से आपको पूरी तरह से बैंगन की स्किन उतार देनी है, फिर एक साफ प्लेट में इसको इस तरह से चॉप चॉप यानी मैश कर देना है अच्छे से, एकदम छोटे 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 बारीक टुकड़ों में आप इसको मैश कर दीजिए। अगर आप चाहे तो 3-4 बैंगन के साथ हरी मिर्ची, टमाटर भी कर सकते हैं, बट हम ऐसे ही खाते हैं तो मैंने इस हिसाब से बनाया है। आप स्प्रिंग अनियन लीजिए, 1 स्प्रिंग अनियन काफ़ी है। इस तरह से उसको चॉप कर लीजिए। फिर अभी विंटर का सीज़न है तो हरा लहसुन अवेलेबल होता है, तो आप हरा लहसुन 3-4 ले लीजिए। और तीखा आपको जितना चाहिए उतने हिसाब से आप हरी मिर्ची काट लीजिए। बारीक काटनी हो या मोटी है वो आपके हिसाब पे है, मोटी मोटी मैंने काटी है। फिर एक पैन में आप ऑयल लीजिए, मैंने ऑलिव ऑयल का यूज़ किया है। फिर उसमें जीरा ऐड कीजिए। फिर हमने जो हरा लहसुन, हरी प्याज और मिर्ची कट की थी वो अच्छे से वॉश करके ऐड कर दीजिए और इसको सौते कीजिए। सौते करने के बाद लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और नमक ये डाल के आप इसको अच्छे से मसाला कच्चा नर तब तक भून लीजिए। उसके बाद जो हमने बैंगन मैश किया था वो ऐड कर लीजिए और इसको स्लो फ्लेम पे पकाना है, क्योंकि इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। स्लो फ्लेम पे इस तरह से चलाते रहिए और पकाते रहिए। 5 मिनट तक आपको इसको पकाना है। पकाने के बाद मैंने इसमें गरम मसाला ऐड किया है। मैंने नमक ऐड किया था बट मैं वीडियो में एडिट करना भूल गई हूँ, तो आप देख लीजिएगा, वरना आप कमेंट में कहेंगे कि आपने नमक तो डाला ही नहीं। फिर मैंने इसमें हरे धनिया से इसको गार्निश कर दिया है। हरा धनिया डाल दीजिए। झटपट मैक्सिमम 5 से 10 मिनट में ये रेसिपी बन जाती है। आप इसको नॉर्मली बाजरी के रोटले के साथ सर्व कर सकते
हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई होप सो आप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं फिर से आ गई हूँ एक नया वीडियो लेके। इसमें मैंने बनाया है प्रेशर कुकर वाली खीर। जैसे प्रेशर कुकर में गाजर का हलवा बनता है, वैसे खीर भी बनती है इंस्टेंट। आज मेरे बच्चों को खीर खाने का मन हो रहा था, तो मैंने चावल को आधा पौना घंटा सोख करके रखा है। मैंने हाफ कप चावल लिया है और 500 ml दूध लिया है। फुल फैट दूध आप ले सकते हैं, जिससे वो उसमें मावे जैसा इफ़ेक्ट आ जाता है खीर में। और फिर मैंने उसके अंदर आधा कप पानी ऐड किया है और 2 इलायची। फिर कुकर का लिड बंद करके स्लो फ्लेम पे इसको छोड़ दिया है। 2 सीटी 3 सीटी तक आप उसको पका सकते हो। पका लो, उसके बाद कुकर को ठंडा होने दो। अगर कुकर ठंडा हो जाता है तो आप इस तरह से कुकर ओपन कर ले और देख सकते हैं चावल अच्छे से पक गए हैं। और इसको थोड़ी देर ठंडा होने के बाद आप देख सकते हैं चावल एकदम अच्छे से कुक हो गए। अब अपने हिसाब से मीठा चाहते हैं तो आप शुगर ऐड कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर 1 कप शुगर ऐड किया है और अच्छे से स्लो फ्लेम पर 10 मिनट तक कुक किया है। जब तक शुगर मेल्ट नहीं हो जाती तब तक आपको इसको कुक करना है। और उसके बाद मैंने केसर एक कटोरी में दूध के साथ मिक्स करके रख दिया था, जिससे केसर अपना कलर छोड़ दे और सारे फ्लेवर्स छोड़ दे। फिर मैंने केसर को ऐड किया है। फिर मिक्सर को ले के मैंने अच्छे से खीर को फेंट दिया है। उसको स्लो फ्लेम चालू ही रखना है, बंद नहीं करना है। अच्छे से फेंट लो और आसानी से उसको कुक होने दो। कुक होने के बाद मेरे बच्चे साबुत ड्राई फ्रूट नहीं खाते, तो मैंने इसके अंदर ड्राई फ्रूट मिक्स का पाउडर डाला है। अगर आपके घर में साबुत ड्राई फ्रूट खाते हैं कटे हुए, तो आप इसमें ड्राई फ्रूट डाल सकते। और ये हो गई रेडी खीर। आप खीर को पूरे के साथ भी सर्व कर सकते और ऐसे भी खा सकते। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई होप सो आप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं फिर से एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। कल मैंने प्रेशर कुकर वाली खीर की रेसिपी डाली थी, उसमें कमेंट आए हैं। जिसने भी कमेंट किया, थैंक यू फॉर कमेंटिंग। एंड आज मैंने वही खीर के साथ बनाने खाने वाली पूरी का रेसिपी डाला हुआ है। इसके अंदर मैंने नमक ऐड नहीं किया, क्योंकि हमें स्वीट डिश के साथ ये पूरी खानी है। अगर आपको ऐसे ही खानी है तो आप इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। मैंने गेहूं का आटा, ऑयल और पानी लिया है। ऑयल मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल डाला है और पानी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अगर आप मैदे और सूजी की बनाना चाहते इसी तरह से डो लगा सकते हैं, बट मैं गेहूं के आटे की पूरी बना रही हूँ, क्योंकि ये हेल्दी है, मैदा ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। फिर इस तरह से डो लगाने के बाद मैंने छोटे छोटे पेड़े बना लिए। पेड़े बनाने के बाद देखिए, आप देख सकते हैं वीडियो में छोटे छोटे सभी एक साइज़ के ही बनाने हैं, पेड़े बना लिए हैं। एक एक करके पेड़े बनाने के बाद मैंने इस सूखा आटा लिया है। सूखे आटे के साथ डो को मैंने मिक्स करके इस तरह से बेला है। आप अपने हिसाब से बेल सकते हैं। मैंने थोड़ी बड़ी पूरी बनाई, आप छोटी बना सकते हैं। इस तरह से मैंने सारी पूरियां एक साथ बेल के रख दी है, आप वीडियो में देख सकते हैं। और मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है, इसीलिए इस तरह से सारी पूरियां बेल लेने के बाद हमें स्लो फ्लेम पे ऑयल को गर्म करना है। उसके बाद ऑयल इस तरह से चेक करके फिर एक एक पूरी हमें तलनी है। अगर आप जल्दी तलना चाहते हो तो 2-2 पूरी डाल सकते हो, बट अगर आपको खस्ता और कुरकुरी पूरी तलनी है तो इस हिसाब से एक एक पूरी आपको तलनी रहेगी। जैसे देख वीडियो में देख सकते कितनी खस्ता और कुरकुरी पूरी बनी है। और एक एक करके आप सारी पूरियाँ तल सकते। मैंने ये नमक बिना की पूरी बनाई है, तो आप ये हलवे के साथ भी खा सकते हैं, खीर के साथ भी खा सकते हैं, और ऐसे भी अगर आप फास्ट फास्ट रखते हैं उसमें भी आप खा सकते हैं। इस हिसाब से मैंने सारी पूरियाँ तल ली हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे। बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आई हूँ साबुत प्याज की सब्जी लेके। मैंने एक पैन में लिया है ऑयल, आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं। ऑयल के बाद जीरा डाला है, जीरे के बाद कड़ी पत्ते का झोंक लगाया है मैंने। साबुत हरी मिर्ची डाली, आप अगर चाहे तो कट करके भी डाल सकते हैं। फिर चॉप्ड अनियन डाला है, इसका कलर चेंज होने तक इसको कुक करना है। स्लो फ्लेम पर कुक कीजिए। और फिर चॉप टमाटर मैंने ऐड किए, एक टमाटर लिया, एक ही प्याज लिया है मैंने। फिर टमाटर को भी अच्छे से भून लेना है जब तक उसका पानी
सोख नहीं हो जाता। उसके बाद उसके अंदर अदरक लहसुन ऐड कीजिए, फिर उसके फ्लेवर छूटने तक उसको पकाइए। फिर लाल मिर्ची, हल्दी, धनिया और नमक के चारों मसाले ऐड करके अच्छे से भून लीजिए। पानी ऐड नहीं करना है, अच्छे से सेक लीजिए जब तक ऑयल छोड़ ना दे। उसके बाद मैंने 2 बड़े स्कूप और दही डाला है खटास के लिए, इससे टेस्ट भी अच्छा आता है और टेम्पटिंग भी लगता है। और इसके बाद मैंने थोड़े बड़े साइज़ के प्याज लिए, आप थोड़े छोटे आते हैं वो प्याज ले सकते हैं। साबुत प्याज मैंने डाले हैं और उसके बाद मैंने इसको मिक्स करके 5 या 10 मिनट तक, जब तक प्याज का कलर चेंज होता है तब तक आपको इसको कुक करना है। स्लो फ्लेम पर ही कुक कीजिए और आप इसको दाल चावल, कढ़ी चावल या साइड डिश की तरह भी खा सकते हैं। और ये यूनिक सब्जी है ना, आप सर्व करेंगे तो आपकी सब्जी एकदम फेवरेट हो जाएगी आपके घर में सबकी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू वंस अगेन। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई होप सो आप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं एक नई रेसिपी लेके आपके सामने आई हूँ। ठंडी का सीज़न चल रहा है, सब लोगों को चाइनीज़ तो ज़्यादा ही पसंद होता है और ठंडी में सारी वेजिस इतनी फ्रेश फ्रेश और अच्छी आती हैं। आज मैंने सिजवान फ्राइड राइस बनाए। मैंने पहले से सारी सब्जियाँ कट करके रखी है और राइस भी मैंने नमक वाले पानी में उबाल के रखे है। राइस भी अच्छे से ठंडे होगा और वेजिस भी अच्छे से धो के रखी है। फिर एक पैन में मैंने ऑयल लिया है, आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हो। मैंने सनफ्लावर वाला ऑयल यूज़ करती हूँ क्योंकि वो लाइट ऑयल होता है। मैं 5-6 लहसुन की कलियाँ ली है और ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर दिया है। आप चॉप करके भी डाल सकते हो, बट ग्रेटर करके डालते तो उसका फ्लेवर अलग ही आता है, एकदम फ्रेश फ्लेवर आता है। और छोटा अदरक का टुकड़ा लिया है, उसको भी ग्रेट करके उसी ऑयल में मैंने डाल दिया और अच्छे से स्लो फ्लेम पे इसको सौते किया है। और आप कहाँ कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है? और जो सारी वेजीज कट की थी, जैसे पत्ता गोभी है, शिमला मिर्च, गाजर, स्प्रिंग अनियन यानी हरी प्याज और एक टमाटर, अच्छे से कट करके पतले पतले स्लाइस मैंने पैन में ऐड कर दिए हैं। अच्छे से स्लो फ्लेम पे इसको कुक किया है और मिक्स करते जाइए और कुक करते जाइए। और आपके पास जैसे भी सॉस हो, जैसे रेड चिल्ली सॉस ऐड किया है मैंने, उसके बाद ग्रीन चिल्ली सॉस ऐड किया है और फिर टमाटो सॉस, जो नॉर्मल टमाटोस केचप होता है वो अपने यूज़ कर सकते हैं, उससे थोड़ा टेंगीपन आता है, वो ऐड किया है। और उसके बाद मैंने डार्क सोया सॉस डाले, वो एक ही ढक्कन यानी थोड़ा डालना, और लाइट सोया सॉस, दोनों सोया सॉस मैंने ऐड की। और अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए, मिक्स मिक्स मिक्स। और उसके बाद सारी वेजिटेबल सॉफ्ट होने तक पकानी है। अगर आपको क्रंची वेजिटेबल्स चाहिए तो आपको इतना पकाना नहीं, बट मेरे बच्चे थोड़ी सॉफ्ट वेजिस पसंद करते हैं। उसके बाद मैंने 1 टीस्पून सेजवान सॉस ऐड किया है, उससे क्या फ्लेवर और थोड़ा तीखापन आता है, वो ऐड करके मैंने अच्छे से मिक्स किया है और थोड़ी देर उसको कुक होने देना है। फिर नमक ऐड किया है और काली मिर्च का पाउडर एकदम बारीक पिसा हुआ है वो ऐड किया है। फिर अच्छे से इसको सौते होने दिया है। अच्छी सी चाइनीज़ वाली खुशबू आ रही है, जैसे हम रेस्टोरेंट में खाते हो वैसी ही खुशबू आ रही है। फिर मैंने सारे जो बॉइल्ड राइस थे धो के रखे थे वो अच्छे से ठंडे हो गए, और उसको मैंने ऐड कर दिया सारी सब्जियों के साथ और इसको मिक्स किया है। और आपको चलाते रहना है जब तक ये सारी वेजिटेबल्स और सारे सॉस राइस में मिक्स नहीं हो जाता। स्लो स्लो आप इसको मिक्स करते रहिए और कुक होते रहेंगे और अच्छे से गर्म हो जाएंगे, और जैसे वो चाइनीज़ के ठेले वाली जो खुशबू आती है वो खुशबू आ जाएगी इसके अंदर आप। और अच्छे से कुक करने के बाद आप देख सकते हैं सारी वेजिटेबल्स और जो सॉसेस थे उसका फ्लेवर पूरा राइस में आ गया, और कैसे अच्छे खिले खिले राइस बने, जैसे रेस्टोरेंट में सर्व करते वैसे ही राइस बने हैं। आप इसको सर्व करिए स्प्रिंग अनियन थोड़ा स्प्रिंकल करके, और ठंडी के मौसम में चाइनीज़ का मज़ा लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।